नमस्कार, मेरा नाम अंकुश कुमार हुआ। मैं इस समय हजारीबाग जिले में हूँ और मेरे साथ हैं प्रकाश जी। प्रकाश जी नमस्कार। नमस्कार। ये आप किस गांव में हम अभी खड़े हुए हैं? ये पबरा का मायापुर है। अजय, इसका ब्लॉक क्या हुआ? कटकम सांडी। और डिस्ट्रिक्ट क्या पड़ गया आपका? हजारीबाग। हजारीबाग। तो ये आपने अपने साथ में ये तरबूज पकड़ा हुआ है आपके हाथों में, ये कौन सी कंपनी का तरबूज है? ये सेमिनिस का माधव है। सेमिनिस का माधव है। तो आपने कब लगाया था ये? हम 26 जनवरी को खेत में इसको बीज मतलब वो ट्रांसप्लांट कर दिए थे। और ये कितने दिन में तैयार हो गया अभी? ये 26 से जोड़ लीजिए, इधर कितना दिन हुआ होगा, मतलब मोटा मोटा तो फरवरी मार्च 70 दिन के आसपास आपका? कोई 70 दिन, 70 दिन के लगभग ये तैयार हो गया आपको। तो आपने अभी से खा के देखा, आपको क्या इसमें लगा कि ये कैसा है? थोड़ा सा उधर हमारे जो किसान भाई हमको सुन पा रहे हैं और लोग सुन पा रहे हैं, तो उनके बारे में बताना चाहेंगे कि कैसा लगा आपको ये? तो अच्छा है। इसका वजन कैसा लग रहा है आपको? वजन ठीक है, साइज भी ठीक है इसका। साइज भी ठीक है। अगर बाजार में व्यापारी के सामने लेके जाए तो क्या वो इसको पसंद करेगा? हाँ, अच्छा डिमांड करेगा। अच्छा डिमांड करेगा। जो कलर है इसका वो कलर ठीक है? कलर ठीक है इसका। हाँ, अच्छा। और अंदर से खाने में कैसा है? मीठापन है। मीठापन है, लाल है। तो ये तो रहे क्या कहते हैं हमारे प्रकाश जी, जिन्होंने अभी आपको सेमिनिस के माधव तरबूज की विशेषताएं बताई। तो मेरा सभी किसान भाइयों से अनुरोध है कि सेमिनिस का माधव तरबूज लगाइए और इसका अनुभव ज़रूर उठाइएगा। तो तब तक के लिए मेरा सभी किसान भाइयों से नमस्कार, धन्यवाद। नमस्कार प्रकाश जी।